प्रत्याशियों की घोषणा में कांग्रेस को पछाड़ते हुए भाजपा ने 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शामिल करनाल लोकसभा से बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबी समुदाय में विश्वास जताया है। पार्टी की घोषणा के साथ ही भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पानीपत से करनाल जाते समय पार्टी समर्थकों ने भाटिया का कई स्थानों पर स्वागत किया। संजय भाटिया ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता को एमपी का टिकट दिया गया है, ये केवल बीजेपी में संभव है, लेकिन दूसरी पार्टियां परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रही। करनाल जिले का तो दिल काफी बड़ा है, लेकिन पानीपत का मामला थोड़ा सा उल्टा रह जाता है। आप दो बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार जीत नहीं हासिल हुई, क्या देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, पानीपत का दिल छोटा नहीं है। पानीपत ने मुझे तब भी, कांग्रेस के उस समय के हैवी वेट कैंडिडेट थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, उनके सामने ऐसे समय में जब बीजेपी का बहुत कम वोट कैंडिडेट्स के आते थे, उस समय भी मुझे 25,000 वोट देकर दूसरे स्थान पर नेक टू नेक फाइट के अंदर लाया। वो पानीपत के लोग ही थे, पानीपत के मेरे मित्र थे, दोस्त थे, पार्टी के लिए वो कारण कुछ और हो सकता है। इस राणा की रैली 4-5-6 दिन पहले की थी और तय प्रोग्राम होते हैं, अभी भी उनकी अपॉइंटमेंट हो सकता है कहीं और फिक्स हो, अभी भी वो बीजेपी के अंदर है और उनके नाम की कंसिडरेशन, हमारी जो 2 सीटें बची है उन पैनल में भी उनका नाम है, कंसिडरेशन हो रही है। मुझे नहीं पता निर्णय क्या होगा क्या नहीं होगा, जब मुझे करनाल का निर्णय नहीं पता तो बाकी निर्णय की तो मेरे पास क्या जानकारी होगी। मुझे नहीं लगता अगर व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोई नेगेटिव टिप्पणी संजय भाटिया के लिए की होगी, क्योंकि वो सारी सच कोई पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान और एमपी का टिकट दिया है, ये केवल बीजेपी के अंदर ही संभव है। जब तक कि दूसरी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो राष्ट्रीय दल हो, परिवार से बाहर ही निकल पा रही, किसी का पोता, किसी का परपोता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, राजनीति में हर आदमी अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसे समय में अगर राजनीति के अंदर एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो केवल बीजेपी के अंदर ही संभव है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस टिकट का श्रेय, मेरी जीत का श्रेय, मेरी जीत का आधार केवल और केवल कार्यकर्ता और समाज के वो लोग जो दिल से चाहते हैं कि इस बार देश को मजबूत किया जाए, नरेंद्र मोदी जी को पुनः नेतृत्व दिया जाए।